पार्ट 18 प्रॉब्लम नंबर 6 निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। वहीं जो पार्ट 16 में बतलाए थे पहला हिसाब, ये दूसरा तीसरा है। तो चार बिंदु दिया हुआ है और इन चार बिंदुओं से जो चतुर्भुज बनेगा तो वह किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। अगर विशेष प्रकार का चतुर्भुज बनेगा तो इसके लिए कारण देना होगा। समझ गया? तो पहले तो चार बिंदु दिया हुआ है तो इसका नाम रखेंगे। मान लेंगे, माना कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी एवं बिंदु डी हैं। कोई चार बिंदु मान लो, तो जब ये इसको ए मानेंगे तो ए का एक्स नियामक -3, वाई नियामक 5 होगा। इसको बी मानेंगे तो बी का एक्स नियामक 3, वाई नियामक 1। इसी तरह आगे की ओर सुन रही हो, समझ भी रही है ना? तो लोग चित्र नहीं बनाओ, हो सकता है वर्ग बन जाए, समझा ना? अभी तो अनुमान से ही बनाना पड़ रहा है। चलो देखो, मान लिए चार बिंदु ए बी सी डी हैं, जिनके नियामक दिए हुए हैं। इनसे बनने वाला चतुर्भुज कौन सा हो गया? ए बी सी डी हुआ। तो इसमें सब भुजा का लंबाई निकालोगे तब न पता चलेगा अगर बराबर आ गया या बराबर नहीं आया, कि आमने सामने का बराबर हुआ, कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा। तो AD की लंबाई पहले निकालेंगे, AB। तो वही दूरी सूत्र, A से लेकर के B तक की दूरी का सूत्र, दूरी सूत्र X1 - X2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 - Y2 का होल स्क्वायर पूरे का रूट। तो ये बात लिख ही लेंगे यहाँ, X1 Y1 X2 Y2 दोनों का मान पहले लिख लो तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। चलो बोलो,
x1 का मान बोलो -3। a के लिए x1 y1 होगा, दूसरा बिंदु b है इसके लिए x2 y2। तो a बिंदु है कहाँ, तो यहाँ है, x1 y1 x1 -3 y1 5 -3 5। बिंदु B के लिए X2 3 Y2 8 होगा। इतना अब फार्मूला में सेटिंग करेंगे, AB X1 कितना, तो -3। पहले कोस्ट नहीं देना, क्या कि बीच में दो चिन्ह आ जाएगा तो कोस्ट देना पड़ेगा, तो छोटी कोस्ट पहले देना ही नहीं। X1 Y1 लिख लो, इसके बाद दो चिन्ह आएगा तो छोटी कोस्ट, तब कम से कम मध्यम या बड़ी कोस्ट से घेर देना है। X1 का मान हो गया -3, फिर माइनस X2 हो गया 3। अब ये कोस्ट के भीतर का लिखे, तो अब कोस्ट दो का होल स्क्वायर, समझ रही हो, फिर उंगने लगी है, प्लस y1 हो गया 5, माइनस y2 हो गया 8 का होल स्क्वायर, ये हो गया -3 -3 -6 का होल स्क्वायर, जो 5 में से 1 गया 4 का होल स्क्वायर, ये -6 का होल स्क्वायर का मतलब -6 × -6 जो 4 का स्क्वायर का मतलब 4 × 4 यानी 16 होगा जी। तो फिर ये हो गया तुमको -± 6 × 6 = 36 जोड़ 16 36 16 52 होगा। 52 को रूट में तोड़ेंगे तो 2 × 2 = 4 और 13 × 52 यानी 2√13। बोलो यहाँ तक समझे, AB हो गया 2√13, AB ये हो गया 2√13। चलो यहाँ तक उतारो, नियामक लिखिए दिए हैं, है ना, जगह ज्यादा मिलेगा। अभी हम लोग निकाले हैं AB, निकालेंगे BC। X1 कितना होगा, तो बिंदु B, तो सीधे आ जाओ B पर, X1 Y1 X1 3 Y1 A 3 के लिए X2 Y2 0 और 3 0 और 3। ये मान लिख करके तब सेटिंग करोगे तो कोई गलती नहीं होगी। X1 का वैल्यू 3, X2 का 0 होल स्क्वायर प्लस Y1 का 1 माइनस Y2 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर, 3 किया 9 -2 × -2 यानी 4 बराबर √13 होगा। BC आया √13,
अब आ जाओ सी डी पूरा भूख देंगे ये नहीं आधे रास्ता में छोड़ देना ये सब भी ध्यान रखो चलो एक्स वन वाई वन बोलो एक्स वन किसके लिए होगा सी के लिए तो सीधे सी पर जाओ एक्स वन वाई वन जीरो तीन यानी जीरो तीन डी के लिए होगा एक्स टू वाई टू टू डी एक्स टू वाई टू माइनस वन माइनस चार समझ रही है सीडी बराबर सीडी में मान रखेंगे एक्स वन का मान जीरो माइनस एक्स टू का मान माइनस वन एक्स वन माइनस एक्स टू है माइनस वन दो तीन आया कोस देंगे पूरे को घेर करके होल स्क्वायर वाई वन तीन माइनस वाई टू माइनस चार माइनस चार दो तीन आया कोस का होल स्क्वायर समझ रही है माइनस माइनस प्लस जीरो का कोई वैल्यू नहीं एक कोस के भीतर आए तो कोस होल स्क्वायर प्लस कोस तीन माइनस माइनस प्लस चार का होल स्क्वायर एक का होल स्क्वायर एक होगा तीन चार सात सात गुने सात सात स्क्वायर यानी उनचास ये हो गया रूट पचास होगा ना पचास टूटेगा पांच गुने पांच गुने दू पांच पच्चीस गुने पचास यानी पांच बाहर आ गया रूट टू रह गया भीतर में तो सी डी हो गया तुमको फाइव रूट टू होगा इतना उसके बाद चलो इसको उतार लो एक बार अब बच रहा है डी ए या ए डी बोलो तो एक्स वन वाई वन किसके लिए लेंगे वन है तो पहला बिंदु वन और ये दूसरा बिंदु टू तो डी डी एक्स वन वाई वन माइनस एक माइनस चार माइनस एक माइनस चार ए के लिए हो गया एक्स टू वाई टू तो ए ये है एक्स टू वाई टू एंड माइनस तीन पांच समझती है और ये बराबर एक्स वन है माइनस एक बड़ी पोस्ट देते हैं माइनस एक्स टू माइनस तीन दो तीन आया छोटी पोस्ट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन
minor star is minor. Y2, yani part, ka whole square. Samjhe? Ye tu likh rahi hai, tu samajh kahan rahi hai? Ki dono kaam ek hi saath kar rahi hai. Ek hi saath likh bhi rahi ho, samajh bhi rahi ho. Karenge minus minus sorry minus one minus minus plus तीन का whole square plus ये कितना हो गया minus चार minus पांच minus नौ का whole square होगा ये mistake नहीं हो रहा है इसलिए five आ रहा है ये हो गया two का whole square और ये 9 का माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 9 गुने 9 यानी माइनस माइनस प्लस 81 ये हो गया 2 दूनी 4 2 81 बराबर रूट 85 ये 85 टूटेगा नहीं 17 5 85 वर्गमूल के रूप में नहीं टूटेगा तो ये हो गया तुमको रूट 85 ये दिए इसको उतारो और इसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं इसमें चारों भुजा निकल गया है चारों भुजा असमान है ये ए बी दू रूट 13 बी सी सिर्फ रूट 13 यानी रूट 13 का दोगुना ये है तो इससे अंतर नहीं पड़ता है ये 5 रूट 2 और ये रूट 85 चारों भुजा असमान है इसका मतलब ये कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं होकर सिर्फ एक चतुर्भुज है ना तो अंत में लिखेंगे समझा इसको तू लो नीचे वाला भी इसी टाइप का है लेकिन हो सकता है कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज निकल जाए इसलिए इसको भी बना ही देंगे इसको उतार लो देखो ये प्रॉब्लम और एक प्रॉब्लम ऐसा बतलाए हैं कैसे निकालेंगे तो ए बी बराबर जैसे चार बिंदु दिया हुआ है सबका नियामक दे दो इसके बाद फार्मूला से ए बी निकाले हैं ए बी एक्स वन माइनस एक्स टू कैसे सोचोगे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स वन माइनस एक्स टू यानी चार माइनस सात का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू ए बी है तो ए बी तो अगला हुआ वाई वन और ये हुआ वाई टू यानी पांच माइनस छः का होल स्क्वायर इसको हल करके आया रूट टेन इसी तरह तीनों चारों भुजा का निकालोगे तो आमने सामने का भुजा बराबर हो जाएगा ये दूरी सूत्र पर कैलकुलेशन आसान है तो याद करो जिस चतुर्भुज के आमने सामने की सभी भुजाएं बराबर होती सॉरी जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज ही होता है तो चित्र में परिवर्तन होगा चित्र आमने सामने की भुजा बराबर हो गया तो इसका अर्थ है ऐसे होगा चित्र
लग ही रहा है बराबर, तो निष्कर्ष में क्या लिखा जाएगा? निष्कर्ष या समानांतर चतुर्भुज है, कारण में हमने सामने की भुजा बराबर है, समझा इसको? उतार लो और अगले पार्ट में ये चैप्टर समाप्त हो जाना चाहिए।